हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम देख रहे हैं पाइथन इन हिंदी। और ये हमारे सीरीज का सिक्स्थ वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे कि हम पाइथन में कंसोल से इनपुट लेंगे और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाइथन में कंसोल से इनपुट लेने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, दैट इज इनपुट। तो लेट्स टेक एग्जांपल जहाँ पे कि हम एक वेरिएबल लेंगे नेम और जिसमें हम इनपुट कराएंगे कंसोल से। सो इनपुट कीवर्ड का यूज करेंगे जहाँ पे कि हम जो भी टेक्स्ट हमें डिस्प्ले कराना होगा उसको जो है हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो अब जो भी यहाँ पे इनपुट होगी वो यहाँ पे नेम में स्टोर हो जाएगी, तो इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं। तो लेट्स बाय डिफॉल्ट जो भी हम कंसोल से इनपुट लेते हैं वो हमारा स्ट्रिंग होता है। तो जो भी यहाँ पे कंसोल से इनपुट ली जाएगी वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे सेव होती है, तो हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेट्स सेव एंड रन करते हैं इसको। सो इट पॉप अप। सो लेट्स गिव माय नेम और हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था तो यहाँ पे हमने जस्ट स्पेस नहीं दिया, सो इसी वजह से ये ऐसा प्रिंट हो रहा है। सो लेट्स गिव एन स्पेस एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। सो ये था हमारा इनपुट हमने जो कंसोल से लिया। अभी इन द सेम वे हम यहाँ पे जो भी एक से ज़्यादा इनपुट भी ले सकते हैं और उस पर भी हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स टेक टू नंबर्स जहाँ पे कि हम उनको फिर ऐड करेंगे। सो तो अभी यहाँ पे जो भी आएगा वो स्ट्रिंग आएगा, तो हम इसको जो है इंट कीवर्ड के अंदर इसको अगर हम ले लेंगे तो जो भी इनपुट हमारी आएगी वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में और यहाँ पे सेव हो जाएगी। इन द सेम वे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और दूसरे नंबर के लिए भी इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे नंबर टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे दो नंबर यहाँ पे इसमें वो सेव हो जाएंगे, तो लेट्स डायरेक्टली इनका हम एडिशन यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। सो लेट्स सी। तो पहला नंबर हम कुछ भी दे देते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर भी सपोज हम कुछ दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है यहाँ पे सम यहाँ पे आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं प्रॉपरली। इसी प्रकार जो है हम इस दो नंबर हमने अलग अलग यहाँ पे इनपुट कराए हैं, इनको हम एक लाइन में भी इनपुट करा सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि एक ही लाइन में हम दो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक नेम और एज या मोबाइल नंबर हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं और यहाँ पे हम इनका असाइनमेंट भी यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके कर सकते हैं, लाइक कोई नंबर हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम सपोज हमने इसको स्ट्रिंग ना रख के वैसे नंबर रख लिए, तो इन द सेम वे हम इसको हम फिर यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। लाइक हेलो,
तो यहाँ पे हमने इसको कंकेटिनेट कर दिया। तो हम एक लाइन में भी जो है इनपुट ऐसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ एरर हुआ है। लेट्स इसको एक बार स्क्रीन में लेकर देख लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं किया था, आई थिंक इसलिए ये एरर आ रहा है। यहाँ पे हम इसको या तो कन्वर्ट कर देते तो यहाँ पे एरर नहीं आता। तो ये तो हमने एक लाइन में इसको जो है यहाँ पे इनपुट लिया। अब हम यही इसी प्रकार दो इनपुट कंसोल से लेकर देखेंगे। जब जो सेम इनपुट है हम यहाँ पे इसको अभी कंसोल से लेकर देखते हैं, तो उसके लिए भी करना कुछ नहीं है, सेम ही है। यहाँ पे हम इनपुट कीवर्ड का ही यूज करेंगे और यहाँ पे टाइप योर नेम एंड मोबाइल। इसको हम अब हमें दो वेरिएबल एक लाइन में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इसको जब इनपुट लेंगे तो ये किस से स्प्लिट होएगा। तो इसके लिए हम कीवर्ड का यूज करते हैं स्प्लिट, यहाँ पे कि हम बताएंगे कि ये इससे किस से स्प्लिट करा रहे हैं हम इसको। तो अभी के लिए मैं इसको एक स्पेस दे देता हूँ जिससे हम स्पेस बार से इसको स्प्लिट कराएंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे सपोज मैंने पहले अपना नाम दिया, फिर स्पेस देके मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ सपोज। तो अब ये जो होगा इनपुट ये सेपरेटली यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कराया। तो एक ही लाइन में हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिया है। अब जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है ये यहाँ पे हम बार बार कंकेटिनेट करा रहे हैं, तो इसके लिए पाइथन 3 एंड अपर वर्जन में एक ऑप्शन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट एक कीवर्ड है जिसका हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो भी हमें टाइप करना है वहाँ पे हम अपना वो टाइप कर सकते हैं और उसके बाद बता सकते हैं कॉमा देके कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल आएगा, तो फर्स्ट वेरिएबल आएगा और फिर हमारे यहाँ पे दूसरा वेरिएबल आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो हमने जिस सीक्वेंस में कॉमा डाले हैं उसी सीक्वेंस में हम अपने यहाँ पे वेरिएबल्स बता देंगे। तो अब देखते हैं इसको यूज करके, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपना नाम और कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट है, बट ये थोड़ा सा बेटर वे में लग रहा है। और इसके बाद एक और भी तरीका है सेम वे करने का जो पाइथन 3.6 के बाद से इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर्मेट को यहीं पे हम एक एफ स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो एफ स्ट्रिंग में हम यहाँ करेंगे इट स्टार्टिंग विद एफ स्ट्रिंग एंड उसके बाद जो भी हम ये कॉमा के हम यहाँ पे तो फॉर्मेट में दे रहे थे, यहाँ पे हम सेम वे उसके अंदर ही इसको हम यहाँ पे अंदर यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे। सो इन दिस वे ये और भी एक बेटर वे में हमारा कोड भी दिख रहा है और हमारे लिए रिमेम्बर करना भी इजी है कि हम जहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं सेम वे वहाँ पे उसका वेरिएबल भी डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं नंबर डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इन द सेम वे ये यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।